हम थ्योरम 6.9 देखते हैं यह एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम के उल्टा है अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है जहां पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो प्रूव करना है कि एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड यानी ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी एक राइट right एंगल है यानी एंगल बी इक्वल टू प्रूव करना है इसे लिख लेता हूं ट्राइंगल ए बी सी जहां पर ए सी स्क्वेयर ए बी प्लस बी सी के बराबर है एंगल बी को 90 प्रूव करना है ये करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन बनाता हूं एक ट्रैंगल पी क्यू आर बनाता हूं जहां पे पी क्यू और ए बी इक्वल है क्यू आर और बी सी इक्वल है और पी क्यू आर जो है उसका एंगल क्यू 90 है अब इन दोनों ट्रैंगल्स में सॉरी में पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 है तो पायता थ्योरम से पी क्यू जाएगा और पी क्यू हमें AB के बराबर पता है कंस्ट्रक्शन से क्यू आर बी सी के बराबर है तो पी आर स्क्वा एबी स्क्स स्क्वायर लेकिन हमें गिवन है कि ए बी स्क्वायर प्लस के बराबर तो यहां पे दोनों को कंपेयर करूं वन और टू को तो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होना चाहिए यानी पी आर और एसी इक्वल होने चाहिए तो यानी ये साइड भी इक्वल आ गई तो इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड इक्वल हैं एसी इक्वल टू पी आर ए बी इक्वल टू पी क्यू बी सी इक्वल टू क्यू आर ए सी पी आर हमने अभी इक्वल करवाई बाकी दोनों कंस्ट्रक्शन से इक्वल थी तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्क्रोवेंट आ गए और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्क्रोवेंट हैं तो मेरा सीपीसीडी से एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल क्यू हमें नाइन्टी पता है तो एंगल बी भी नाइन्टी होगा और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल बी नाइन्टी हो तो हेंस प्रूफ